2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फटाफट सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद हैं। यहाँ पर चलेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, तीसरे चरण के चुनाव को लेकर सुबह से डाले जा रहे हैं वोट। इसी के साथ में आपको बताएंगे कौन कौन सी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। साथ साथ राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को लिखी है एक चिट्ठी, बताएंगे आपको लोकतंत्र संविधान बचाने के साथ साथ और किन किन मुद्दों को प्रमोट करने की मांग की गई है दोस्तों। इसी के साथ में अखबार में एक ऐसा एड दिया गया है दोस्तों जो साफ तौर पर सांप्रदायिक एड है, बताएंगे आपको एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से दिए गए एड को लेकर उठे हैं कई सारे सवाल। और बीजेपी के नेत्री की ओर से राम मंदिर और पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की गई है दोस्तों जो साफ तौर पर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए की गई है, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी को लेकर लिंगायत समुदाय के एक बड़े गुरु ने दी है बड़ी जानकारी, भाजपा के बहिष्कार का किया गया है ऐलान दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल में भड़की ममता बनर्जी और क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब एनआईए जांच शुरू की जाएगी, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। एक एक करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज तीसरे चरण को लेकर लगातार वोट डाले जा रहे हैं और ये परिवर्तन के लिए हैट्रिक लगने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के चुनाव के बाद से देश में बड़े परिवर्तन के संकेत मिलने लगे हैं और आज तीसरे चरण को लेकर सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। बता दें आपको कि सबसे ज्यादा अहम है 26 सीटें गुजरात की, जहां पर आज सारी की सारी सीटों पर वोट डाला जा रहा है दोस्तों। राजपूत समाज की ओर से भाजपा के बहिष्कार के ऐलान के बाद गुजरात का मुकाबला काफी रोचक बन गया है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं जिसमें से मैनपुरी सबसे अहम है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा के अंदर भी वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती जहां पर पवार परिवार के दो बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है, शरद पवार की बेटी और उनके बहू के बीच में सीधा मुकाबला है दोस्तों। सुप्रिया श्रीनेटा सामने मुकाबले में अजीत पवार की पत्नी है। पिछले दो चरण के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिली है, देखते हैं आज किस तरीके का ट्रेंड रहता है, आपको सारी जानकारी पहुंचाएंगे दोस्तों। इसके साथ में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मेरे प्रिय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। जब तक कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता सच्चाई के लिए खड़ा है, तब तक भारत में नफरत नहीं जीत सकती। हम एक नहीं करोड़ों हैं, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और देश के हालात बदलेंगे। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक दल के बीच में कोई लड़ाई नहीं है बल्कि हमारे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ प्रेम और न्याय की कांग्रेस की विचारधारा है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस की भय की राजनीति है, नफरत और विभाजन की राजनीति है। उन्होंने आगे कहा कि इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता है, आप निडर है क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा आपके दिल में है, आपके विचारों और आपके कार्यों में है, आप पार्टी की रीढ़ है, हम आपके बिना नहीं जीत सकते। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब तक आपकी सारी मेहनत के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं, आपकी वजह से हम भारत की जनता की बात सुनकर एक क्रांतिकारी घोषणा पत्र लेकर आए हैं। हमने चुनाव से पहले दो चरण में अच्छा संघर्ष किया है, हम भाजपा के झूठ और ध्यान भटकाने वाले कार्यों का विरोध करने, उन्हें हमें जवाब देने के लिए मजबूर करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अब एक और महीने की कड़ी मेहनत का समय आ गया है, यह सुनिश्चित करने की हमारी गारंटी हर भारतीय तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की हर कोई वोट देने के लिए निकले। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस का संदेश और अपनी गारंटी को हर गांव, मोहल्ले, गली और घर घर तक पहुंचाएं। अब समय आ गया है कि हम घर घर जाएं, हमें हर युवा, महिला, मजदूर, किसान और वंचित परिवार तक पहुंचना है। हमें भाजपा की विचारधारा और उनके नफरत के एजेंडे से उत्पन्न हुए खतरे को स्पष्ट करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर एक महीने के लिए डटकर लग जाने के लिए कहा है दोस्तों। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता है, सभी को मिलकर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के एकजुट होते ही कांग्रेस पार्टी के भाग्य बदलने वाले हैं और हो सकता है भारत एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ जाए, तो अपनी राय जोड़ने के साथ साथ राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो दिन अब दूर नहीं जब नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के सामने आंसू बहाने लगेंगे और वो घबराए हुए हैं। राहुल गांधी ने ये जो बातें कही थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हकीकत में बदलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू को लेकर कुछ वीडियो क्लिप काफी ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू देखने को मिल रहा है। यानी इंटरव्यू में इस तरीके की चीज अब सामने आने के बाद क्या राहुल गांधी ने जो कहा था वो सच साबित हो गया है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिख कर जरूर बताएं, क्योंकि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी भावुक होकर इंटरव्यू दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी बोले, कहा बीजेपी के नेता एक आदिवासी युवा पर पेशाब कर उसका वीडियो बनाकर पूरे हिंदुस्तान में दिखाया, यहां हमारे प्रत्याशी के खिलाफ लड़ने वाले कैंडिडेट के रिश्तेदार ने आदिवासी बिटिया के साथ रेप किया, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाओ और आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर ना बन पाए, ये आपका जल जंगल जमीन छीनना चाहते हैं, अगर हमें इनको रोकना है तो एक साथ लड़ना होगा ताकि आपके अधिकारों, संविधान और आरक्षण को बचाया जा सके। राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी पर आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजीव सरदेसाई जो एक बड़े संपादक है दोस्तों, इंडिया टुडे में काम करते हैं और भारत के वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी ओर से सोशल मीडिया पर एक अखबार की क्लिप शेयर की गई है, अखबार का फोटो शेयर किया गया है। इसमें जो एड दिख रहा है उस एड में लिखा गया है कि आपके वोट से पाकिस्तान या हिंदुस्तान का हां जश्न मनना चाहिए, ये सवाल लोगों से पूछा जा रहा है, वोटर से सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल दोस्तों इलेक्शन से पहले मराठी में यह एड दिया गया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की एनसी
एनसीपी के पार्टी लोगों को दिखाया जा रहा है और लिखा गया है अब की बार मोदी सरकार। सवाल ये है कि क्यों लोगों को डराया जा रहा है और सांप्रदायिक विभाजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। यानी दोस्तों जो ऐड किया जा रहा है उससे पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे वोट से पाकिस्तान में जश्न मनना चाहिए या इंडिया में आपको तय करना है। सवाल ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो जश्न कहां मनेगा, ये बीजेपी को लिखना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि किस परसेप्शन को लेकर यह एड बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तत्काल इस मामले पर कार्रवाई की अपील करते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दोस्तों देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है नहीं करता, क्योंकि अगर वरिष्ठ पत्रकार की ओर से यह मामला उठाया जा रहा है तो उस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए बिना इफ और बट के। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाई है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के चरण जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी अपने दोनों इलाके यानी अमेठी और रायबरेली में जीत सुनिश्चित करना चाहती है। यही बड़ा कारण है कि पार्टी की ओर से जबरदस्त स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। प्रियंका गांधी ने खुद से जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। दोस्तों 12 दिनों का पूरा कार्यक्रम है, टारगेट है 400 से 500 क्षेत्रों में जाने का और रोजाना कम से कम 20 गांव को कवर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के विश्वास पात्र कार्यकर्ताओं की तैनाती की जा रही है। एक और कमेटी बनाई गई है जिसमें 500 लोगों को शामिल किया गया है और रणनीतिक तौर पर कई सारी मीटिंगें की जाएगी। दोस्तों सोशल मीडिया पर भी तीव्र हमले किए जाएंगे। यानी अब स्मृति ईरानी का अमेठी में चुनाव जीत पाना कांग्रेस पार्टी के लिए काफी मुश्किल साबित होने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि अमेठी और रायबरेली कांग्रेस पार्टी के लिए इस बार आसान हो सकती है क्योंकि पार्टी ने ऑर्गेनाइजेशन पर पूरा ताकत लगा दी है, पूरी दम लगा दी है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि 2019 में हम लोग अमेठी इसलिए हारे क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन पर ज्यादा फोकस नहीं किया, हमें लगा कि यहां से आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन संगठन में पार्टी के लोग खुश नहीं थे, तो अब संगठन को पूरी तरीके से मजबूत किया जा रहा है, धीरे धीरे करके कार्यकर्ताओं को वापस से एकजुट किया जा रहा है। स्मृति ईरानी को लेकर जिस तरीके से एंटी माहौल चल रहा है उन्हें भी भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चेतावनी देते हुए बीजेपी का हर दूसरा तीसरा नेता दिखाई दे देता है, किसी न किसी दिन कोई न कोई विवादित बयान सामने आ ही जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर अमरावती से निर्दलीय सांसद रही नवनीत राणा को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, खुद टिकट दिया है, तब वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जिसको जय श्री राम नहीं बोलना वो पाकिस्तान चले जाए। यानी साफ तौर पर सामाजिक विद्वेष और आपसी कलेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए तो राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में ग्वालियर इटावा चंबल संभाग में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आज के दौर में छत्रियों का नेतृत्व करनी सेना कर रही है, जिनका अहमदाबाद के अंदर अध्यक्ष का पगड़ी उछाला गया था, पूरे करनी सेना का अपमान किया गया। बीजेपी के विरोध में करनी सेना ने सौगंध खाई है कि वो राजपूतों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त बहिष्कार करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी इसकी गूंज सुनी जा सकती है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर बीजेपी का विरोध करते हुए राजपूत समाज की ओर से स्पष्ट तौर पर बहिष्कार का ऐलान किया गया है। पगड़ी उछाले जाने का सबक सिखाने की तैयारी चल रही है। साथ साथ नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने कोलकाता को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि जब वो बच्चे थे तो कोलकाता घूमने आते थे तो कोलकाता मेट्रो आकर्षक लगता था। ऐसे में दोस्तों लोगों ने फैक्ट चेक करते बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 1950 में हुआ है, कोलकाता मेट्रो ट्रेन 1984 में बना है। 34 साल की उम्र में प्रधानमंत्री कोलकाता आए होंगे, तब वो बचपन में नहीं थे, बच्चे नहीं थे, बल्कि 34 साल के थे। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो को लेकर दावा तो नहीं किया जा सकता कि ये वीडियो एकदम सही है, लेकिन अगर ऐसा कहा गया है तो साफ तौर पर दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी के बयान से फिर लोगों ने एक ऐसा तथ्य ढूंढ दिया है जिससे भाजपा की जमकर आलोचना हो रही है। साथ साथ हाल फिलहाल के अंदर नेहा हिरमैथ के मामले को लेकर जिस तरीके से कर्नाटक में कैंपेन किया गया लिंगायत समुदाय के लोगों को एकजुट करते हुए, उस पूरे मामले को लेकर कल्याणा स्वामी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार बसवराज बोम्मई को इस बार वोट नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर नेहा वाले मामले को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राधिका खेरा जो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको भगवान राम के मंदिर में जाने के बाद परेशान किया था, उनका पुराना एक वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जब रोहन गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तब वो जस्टिफिकेशन दे रही थी जी न्यूज पर, और राधिका खेड़ा कह रही थी कि उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, उनको पार्टी ने कभी नहीं दबाया, जब चाहा उन्होंने तब वो राम मंदिर गई लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब वो अचानक से कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद दावा कर रही है कि उनको राम मंदिर में दर्शन करने से कांग्रेस पार्टी के कई नेता परेशान हो गए थे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताया, क्योंकि पुराने इतने वीडियोज है, इतने उनके ट्वीट है, वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही है। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए झूठ और खाका तैयार कर रही है। वीरभूम संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा सांसद उम्मीदवार शताब्दी रॉय के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश को लूट रहे हैं लेकिन अपने पापों को छुपाने के लिए पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। वीरभूम जिले के साइथिया में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी झूठ फैलाकर चुनाव जीतने का खाका तैयार कर रही है, क्या आप दंगों की साजिश रचने वाले प्रधानमंत्री को वोट करेंगे, उन्होंने जनता से यह सीधा सवाल पूछा है। साथ साथ दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे यशवंत सिन्हा बोले, कहा अटल जी के साथ हमने कई निर्णय लिए लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। चुनाव को देखे बिना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में फैसले लिए जाते थे लेकिन
वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हर कदम चुनाव को देखते हुए उठाते हैं, इसलिए आर्थिक क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्र में सरकार की नीति बेहद गलत हो गई है। सांसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है दोस्तों। कारण यह है कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के फंड लेने के आरोप को लेकर अब NIA जांच की सिफारिश की गई है। $16 मिलियन लेने का आरोप लगाया गया था सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपत वन सिंह पन्नू की ओर से। दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी को उन्होंने फंड किया था चुनाव से पहले। इसके बाद इस पूरे मामले पर NIA जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल यानी LG ने NIA जांच की सिफारिश की है। आम आदमी पार्टी ने इसे षड्यंत्र करार दिया है। LG VK सक्सेना को विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से लिखित शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ाने के लिए चरमपंथी समूह खालिस्तानी समूह ने $16 मिलियन दिए थे। हालांकि दोस्तों इस मामले पर देखते हैं NIA पूरे मामले को जांच में लेती है या नहीं लेती, क्योंकि सिफारिश की गई है तो हो सकता है एक बड़ी रणनीति के तहत किया जा रहा हो। हालांकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर NIA की जांच शुरू हो गई तो मामला और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा और उनके जमानत को लेकर तो कहा जा सकता है कि अगर केस NIA ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून या फिर UAPA के तहत बना दिया तो काफी गंभीर हो जाएगा और जमानत पर वापस आना लगभग असंभव हो जाएगा। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। क्या चुनाव से पहले ये जो सिफारिश की गई है इसे आप सहयोग के तौर पर देखते हैं या किया जा रहा प्रयोग देखते हैं? सांसद उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात के बाद राजपूत समाज का गुस्सा हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फूटा है। राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में BJP के विरोध का ऐलान करते हुए कहा कि दूसरी पार्टी का जो भी उम्मीदवार BJP को टक्कर देगा उसको समर्थन राजपूत समाज की ओर से दिया जाएगा। राजपूत समाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP ने उन्हें हर प्रांत में नीचा दिखाने का प्रयास किया, यहां तक कि BJP उससे नफरत करने लगी है। हरियाणा में 5% आबादी वाले राजपूत समाज का विरोध संकट BJP के लिए और ज्यादा गहराता जा रहा है, क्योंकि राजपूत समाज लगभग 80-90% BJP को वोट करता है दोस्तों, बल्कि ज्यादा ही करता है। लेकिन अगर वो बहिष्कार कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक उनसे छिटक रहा है, जिसकी भरपाई करना BJP के लिए लगभग असंभव है। सांसद ग्वालियर से निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र सिंह ने अपना नामांकन वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रवीन पाठक को समर्थन दे दिया है, यानी इस समर्थन से और ज्यादा स्थिति उनकी मजबूत हो चली है। सांसद दोस्तों टिकट कटने के बाद धनंजय सिंह ने कहा कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी इस फैसले से आहत हुई है, BSP ने उनका टिकट काट दिया है। अगले 2-3 दिनों के अंदर वो फैसला लेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, बाकी जिसे हम चाहेंगे वही जौनपुर से सांसद बनकर आएगा। धनंजय सिंह जो जेल से बाहर निकल कर आए हैं, अचानक से BSP ने उनकी पत्नी को दिए गए टिकट को वापस ले लिया, जो एक तरीके से एक बड़े तैयारी के तौर पर देखा जा सकता है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे थे धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने के कारण BJP के वोटों में जबरदस्त डिवाइड देखने को मिलता है, और क्योंकि BSP रिकॉग्नाइज पार्टी है तो उनके से टिकट मिलने के साथ ही धनंजय सिंह की पत्नी को बहुत वोट मिल जाते हैं और त्रिकोणीय मुकाबले में BJP फंस जाती। शायद यही बड़ा कारण है कि अचानक से टिकट वापस हो गया है और यादव समाज से आने वाले व्यक्ति को यहां पर BSP ने टिकट दिया है, यानी समाजवादी पार्टी के वोटों में सेंध मारने का प्रयास किया जा रहा है। धनंजय सिंह ने कहा कि जो कह रहे हैं कि मेरी मायावती से बात हुई है वो गलत बात है, पिछली बार 2013 में उनसे बात हुई थी, मैं तो जेल में था, उनके लोगों ने पत्नी से बात करके उनको टिकट दिया, अब टिकट काटकर मुझे डिफेम किया जा रहा है, आखिरी दिन काटा वरना हम नामांकन करते। आखिर में धनंजय सिंह ने कहा कि धनंजय की वजह से BSP चर्चा में है, बसपा की वजह से धनंजय चर्चा में नहीं है। सांसद अशोक गहलोत और भूपेश बघेल अमेठी और रायबरेली के सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं, यानी कांग्रेस पार्टी फुल फ्लैश अटैक के लिए जा रही है और रायबरेली अमेठी के अंदर बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा गया है दोस्तों। और इससे ये तो तय है कि अमेठी और रायबरेली के इस बार चुनाव में काफी इंटरेस्ट आने लगा है। साथ साथ देश में लोकसभा चुनाव के दौरान नेताओं के बीच में चल रही चुनावी रस्साकसी और एक दूसरे पर जुबानी हमलों से परे एक नई तस्वीर से सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। मौका था मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से BJP के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एयरपोर्ट पर अचानक से मुलाकात हो गई। विरोधी दल के दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गले मिले और साथ में हंस मुस्कुराते हुए एक दूसरे से कुशल मंगल भी जाना है। साथ साथ दोस्तों गहलोत ने शिवराज सिंह चौहान से मजे भी लिए, उनकी चुटकी भी ली और कहा कि फोटो साथ में आ गई तो तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, यानी दोस्तों शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर BJP ने नया मुख्यमंत्री बना दिया तो इसी और इशारा करते हुए उन्होंने तंज भी कस दिया है। साथ साथ अमेठी में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनकी गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई है दोस्तों, कई सारी गाड़ियों को तोड़ा गया है। वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने डिटेल में जानकारी दी है। कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, अमेठी में क्या गुंडागर्दी करके चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन के लोगों से पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे कई सारे गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर यह हरकत की गई है, कायराना हरकत की गई है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले के बाद पंजाब के जलंधर से लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था और प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग भी की थी। इसके बाद उन्होंने अपने बयान को लेकर कहा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का मतलब था कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी ऐसा हमला हुआ था मगर BJP द्वारा उसकी जांच नहीं करवाई गई, अभी तक नहीं पता चला कि उस मामले में कौन शामिल था। चन्नी बोले, कहा पिछले हमले के बाद जाखड़ ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा था, यानी भाजपा के अभी नेता बने हुए हैं उन्हीं का पुराना बयान था, BJP पर निशाना था। दोस्तों
करें। दुर्भाग्य की बात है कि देश के फ्रीडम इंडेक्स यानी देश के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, भारत के अंदर स्वतंत्र कितनी पत्रकारिता होती है उसका जो इंडेक्स आता है उसमें 180 देशों में भारत का स्थान 159 है। जी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने इसे लेकर दुख प्रकट किया है, यानी जो मीडिया चला रहे हैं उनके मालिक भी इस बात को मान रहे हैं कि अब देश में फ्रीडम इंडेक्स काफी खराब है। कम से कम प्रेस इंडेक्स की इतनी बुरी स्थिति भारत के लिए अच्छी बात नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जी न्यूज जैसे तमाम अन्य चैनलों को अब सही से काम करना पड़ेगा, उनको अपनी रैंकिंग अच्छी करनी पड़ेगी, भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस के स्थिति को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि रैंकिंग अच्छी हो, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर शिवपाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मायावती को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी कर दी थी। बसपा के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी ने आरोप लगाया है कि पिछले 3 मई को अपने फोन पर उन्होंने एक चैनल के समाचार क्लिप देखी है जिसमें शिवपाल यादव ने बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना बीएसपी के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष उत्पन्न कर रहा है। बीएसपी के जिला अध्यक्ष राम प्रकाश त्यागी ने कार्रवाई करने के लिए पुलिस से अपील भी की है। दोस्तों शिवपाल यादव के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कराए गए हैं। सांसद राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को भी संज्ञान लेने के लिए कहा गया है, यानी SC ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टियों को कहा है कि डीप फेक का कोई भी कंटेंट वो लोग ना शेयर करे। स्पष्ट कर दिया गया है कि जब ये नोटिस जारी किया जा रहा है उसके 3 घंटे के अंदर सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये सुनिश्चित करें कि उनके किसी भी प्लेटफॉर्म पर डीप फेक कंटेंट का यूज ना किया जा रहा हो और जितने भी डीप फेक के कंटेंट है उनको तुरंत हटाया जाए, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। साथ साथ NDA के नेता OP राजभर के साथ एक बार फिर से मोए मोए हो गया है। दोस्तों राजनीतिक तौर पर उनके साथ अमूमन ऐसा देखने को मिलता है। एक बार फिर से लोगों को संबोधित कर रहे थे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे, उन्होंने जनता से पूछा कि समाजवादी पार्टी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस कभी केंद्र में सरकार 2024 के अंदर बना पाएगा। सामने से जवाब आता है यस, यानी हाँ बन सकती है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार। इसके बाद उसी को समझाने लगते हैं OP राजभर। दोस्तों दरअसल जिस तरीके से जवाब दिया गया है कह सकते हैं मंत्री जी के साथ मोए मोए हो गया है और इंडिया गठबंधन की सरकार क्यों नहीं बन सकती, इसका भी कोई लॉजिक बीजेपी के नेता उनके सहयोगियों को देना चाहिए। दरअसल दोस्तों इंडिया गठबंधन पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अपने फुल पोटेंशियल के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। तमिलनाडु के अंदर DMK, केरल के अंदर कांग्रेस लेफ्ट, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन, गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन, दिल्ली और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का गठबंधन और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। तो सारे के सारे इंडिया गठबंधन के लोग मैदान में उतरे हुए हैं, अपनी जहां जहां स्थिति मजबूत है वहां वहां उनके उम्मीदवार इस बार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों तीसरे चरण के लिए आज लगातार वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है, यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। मैनपुरी के अंदर देवेश शाह के जो एटा लोकसभा से मैदान में उतरे हैं वहां पर भी वोट डाले जा रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था, उनके यहां भी वोट डाले जा रहे हैं। बरेली लोकसभा से प्रवीण सिंह एरन मैदान में उतरे हुए हैं, उनके लिए भी पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। साथ साथ जसवीर वाल्मीकि हाथरस से लोकसभा कैंडिडेट है, उनके यहां भी वोट पड़ रहे हैं। आगरा में सुरेश चंद्र कर्दम भी मैदान में उतरे हुए हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद से लोकसभा के उम्मीदवार है और आदित्य यादव बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज मौर्य आंवला लोकसभा से मैदान में है। कांग्रेस पार्टी के श्री रामनाथ सिकरवार उर्फ फौजी बाबा फतेहपुर सिकरी से लोकसभा के उम्मीदवार है। दोस्तों जिनके लिए प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया था। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के मजबूत दावेदार मैदान में उतरे हुए हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि दिल्ली NCR के बाद अब अहमदाबाद के 6 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, मचा है हड़कंप, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। साइबर अपराध शाखा की पुलिस उपायुक्त DCP लवीना सिन्हा ने कहा कि अहमदाबाद के कुछ स्कूलों को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अब तक 6 स्कूलों को ऐसे ईमेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल दोस्तों दिल्ली के अंदर पहले इस तरीके के ईमेल आए थे और आज लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण में 26 की 26 गुजरात की सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और अहमदाबाद में ये मामला सामने आना क्या दोनों आपस में लिंक है, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कंगना रनावत ने एक बार फिर से ऐसी बहकी बातें कर दी है दोस्तों की सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जमकर शेयर किया जाने लगा है। उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी से यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति पूछते हैं, उनका मार्गदर्शन मांगते हैं, यानी प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन की मांग की जाती है उन देशों के द्वारा, उनके राष्ट्रपतियों के द्वारा जो अभी युद्ध लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों वो वही वाला आपको एड याद होगा जिसमें कहा जाता है कि वॉर रुकवादी पापा, यानी दोस्तों उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक के बाद एक बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। कंगना रनावत जो एक्ट्रेस बताती है अपने आप को हाईली एजुकेटेड बताती है, वह भी इसी तरीके की बेतुकी बातें कर रही हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चुनाव आयोग ने हरीश कुमार को आंध्र प्रदेश का नया DGP अपॉइंट किया है। EC इलेक्शन कमीशन ने 5 मई को KV राजेंद्रनाथ रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के पूर्व DGP है उनको तत्काल प्रभाव से हटाया था। इसके बाद राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि DGP के पोस्ट के लिए DG रैंक के 3 अफसरों का पैनल बनाकर नाम भेजा जाए, इसके बाद नया DGP बना दिया गया है। दोस्तों बंगाल के वीरभूमि में ममता बनर्जी ने कहा कि BJP चुनाव को जीतने के लिए झूठों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में
बीजेपी के एक नेता का वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रहा है कि ऐसे बूथ तय करो जहां बैठा कांग्रेस का व्यक्ति आपके पक्ष में रहे। इस काम में पोलिंग पार्टी से लेकर पुलिस तक आपका सहयोग करेगी। सभी को ऊपर से निर्देश है। बता दें कि राजगढ़ लोकसभा पर आज वोट डाले जा रहे हैं दोस्तों। उससे पहले इस तरीके का बयान सामने आना लोगों के मन में और ज्यादा चिंताएं उत्पन्न कर रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।